औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आसानी आपको मिल सकें। आज मैं आपको सबसे प्यारी अहदीस से शुरुआत करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक से एक ही दुआ है कि जब आप हदीस सुनते हो तो इंशाल्लाह उस पर अमल भी करेंगे, लोगों तक भी पहुँचाएंगे, क्योंकि ये पैगाम मुहम्मदी है, ये पैगाम आपको पहुंचाना ही है। तो आप अल्लाह को जो हाजिर नाजी जान के अपने तमाम जो लोग हैं, सुनने वाले हैं, उनको ये पैगाम जरूर भेजाएं ताकि आपको इसका इसाले सवाब भी मिले और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हों। शर्म व हया की अहमियत आज मैं आपको बताऊंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मज़हब के मानने वालों की कुछ खास सफात व अदात होते हैं जो इनकी पहचान होती है। तो इस्लाम की खास सफात और आदत या अदात जो मुसलमान की शान होनी चाहिए वो शर्म हया की आदत है। तो आजकल आपके सामने ही सब चीज़ें हैं, कितनी बेहतरी, कोई मतलब कि इस चीज़ का एहतराम नहीं। आपको एक बात बताऊं कि एक दफ़ा हजरत अली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे तो एक औरत वहाँ से गुजरी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो हज़रत अली की निगाह उनकी तरफ उठी और फिर झुकी। फिर जैसे ही दूसरी निगाह उठने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, पहली जो तुम्हारी निगाह थी वो माफ़ थी क्योंकि बिला वजह या वैसे ही उठी अल्लाह की तरफ से। तो जो दूसरी निगाह है वो आपकी आँख का जना है, जीना है, तो इससे परहेज करो, ये गुनाह है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को ये वसीयत की, ये बात समझाई, तो फिर हम तो बहुत दूर हैं। तो इसलिए चाहती हूँ कि आप अपने घर का माहौल अच्छा बनाएं, मगरबी तहजीब से दूर रहें, अल्लाह के नेक बंदे बने, गुनाहों से दूर रहें। आज का सबसे प्यारा वसीफ़ा, सिर्फ 302 मरतबा आपको ये इसम पढ़ना है, ठीक है। इसम है या बसीरो, या बसीरो। रिज़्क, रुपया, पैसा, माल और दौलत इतनी आएगी कि रखने की जगह न मिलेगी, रिस्क की तंगी दूर हो जाएगी और इंशाल्लाह अल्लाह की रहमतें और बरकतें होंगी। जो बहन अपने घर में है, परेशान है, उसके घर रिस्क की कमी है, वो अपने किचन में जब खाना बनाती हैं या बावर्ची खाने में जब खाना बनाती हैं तो उस वक़्त ये जिक्र ज़िक्रात करें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इतना रिस्क आएगा कि कभी कमी नहीं होगी। एक दफ़ा इस बहन के कहने पे ये अमल करें और फिर देखें कि गैब से आपको रिज़्क अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। किसी को किसी भी किस्म की हाजत है, परेशानी है, तो ये वजीफ़ा कम से कम 786 मरतबा करें, उसकी हाजत अल्लाह पाक पूरी करेंगे। किसी किस्म की परेशानी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी परेशानी है, आप ये वजीफ़ा करें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको दोबारा किसी और वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई शादी का मसला है, आप मगरिब के टाइम कर सकते हैं, और अगर कोई किसी ने इम्तिहान देना है तो फजर के टाइम ये वजीफ़ा कर सकते हैं। वजीफ़े की क्वांटिटी 786 है, ठीक है। कोई भी परेशानी हो, कोई भी तकलीफ़ हो, ये वजीफ़ा लाजम करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी और कभी आपको अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना पड़ेगा। मेरा रब नहीं चाहता कि मेरा बंदा मुझसे दूर जाए, मुझसे मांगना छोड़ दे या मेरी रहमत से नाउमीद हो। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप ये ज़रूर अमल करें, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। अगर आप इस्तखारा करवाना चाहते हैं या आपको कोई जादू या कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, कोई दुख है, किसी भी किस्म का घरेलू मसला है, लड़ाई झगड़ा है, बाहर कोई तंगी है, मियाँ बीवी का मसला है, शादी की परेशानी है, अपनी इस बहन को याद करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद करेंगी और इंशाल्लाह आपको कभी नाउम्मीदी नहीं होगी। इंशाल्लाह जहाँ तक हो सका हम आपके जो भी मसला है अल्लाह की रहमत और दुआ जिक्र ज़िक्रात से उस मसले का हल करेंगे। ये मैंने चैनल ख़वातीन के लिए बनाया जो अपना वक्त, पैसा, हर चीज़ बर्बाद किए हुए हैं, झूठे आमिर लोगों के पास जाके। वो बहनें एक दफ़ा मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह अब किसी बहन को नाउम्मीदी नहीं होगी, इंशाल्लाह यहाँ से फैज़ ही हासिल होगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी मुश्किल भी आसान हो सके।